ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੈ ਇਹ 12 ਦਾ ਹੈ ਇਹ 12 ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਜਬ ਕਿ ਤਾਂ 57 ਐਚਪੀ ਦਾ ਆਪਕਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਔਰ ਕੰਪਨੀ ਕਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 63 ਐਚਪੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਤੀ ਹੈ ਸੈਨ ਭਈਏ ਇਹ ਜੋ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਆਪ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕੀ ਲੰਬਾਈ ਜੋ ਹੈ 12 ਫਿਟ ਹੈ ਇਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੀਅਰ ਬਾਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇਲ ਕੀ ਕੰਜ਼ਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕਮ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਰੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇਲ ਵੀ ਕਮ ਖਾਤਾ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ ਸਭ ਪਹਿਲੇ ਸਭੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਓ ਕੋ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬਤਾਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਜੋ ਇਸ ਕੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਬੀਜ ਕੀ ਬੀਜ ਜੋ ਜਿਸ ਕੀ ਬਹਾਈ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ 12 ਫੀਟ ਹੈ ਵੈਸੇ 13 ਫੀਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਵੈਸੇ 13 ਫੀਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੁਤਾਈ 12 ਫੀਟ ਕਰਤਾ ਵੈਸੇ 63 ਐਚਪੀ 65 ਐਚਪੀ ਕੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਆਰਾਮ ਸੇ ਚਲੇਗਾ ਆਪ ਹਮੇ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਤੇ ਹੈ ਹਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਏਗੇ ਆਪਕੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਹਮ ਇਸਕੋ ਚਲਤਾ ਹੁਆ ਵੀ ਦੇਖੇਂਗੇ ਆਜ਼ਰ ਕਿਆ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਆਪਨੇ ਜਿਸ ਕੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਚਲਤਾ ਥੋੜਾ ਆਪਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਕੋ ਉਹ ਬਤਾਈਏ ਸਭ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਇਸਕੇ ਉੱਪਰ ਮਲਟੀ ਸਪੀਡ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ ਲਗਾ ਹੁਆ ਹੈ ਜਹਾਂ ਸੇ ਇਨਪੁਟ ਆਤੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਕੀ ਪੀਟੀਓ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਤੋ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਜਹਾਂ ਪੇ ਇਸਕੇ ਸਾਈਡ ਗੇਅਰ ਲਗਾ ਸਾਈਡ ਗੇਅਰ ਲਗਾ ਹੁਆ ਹੈ ਇਸਕੇ ਉੱਪਰ 28 35 20 ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਮ ਤੌਰ ਪੇ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ 20 ਲਗਾ ਹੁਆ ਤਾਂ 35 ਫਿਰ ਨੀਚੇ 28 ਇਸਕੇ ਉਲਟਾ ਲਗਾ ਹੁਆ ਹੈ क्योंकि वो नए टेक्नोलॉजी का सबसे जो मेन चीज़ है इसकी जो हमारी इसको कम एच पी पे और लोड कम आता है ट्रैक्टर का वो ए पुर्जा लगा हुआ है इसको बोलते हैं प्लेंट्री गेयर बॉक्स इसके अंदर प्लेंट्री गेयर बॉक्स के अंदर 5 गेयर घूमते हैं एक गेयर के ऊपर तो उससे जो जहाँ पे लोड आता है मिट्टी का जहाँ पे मिट्टी के अंदर चलना ब्लेडों ने तो सबसे पहले लोड आता है जहाँ पे ये लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ट्रैक्टर के ऊपर नहीं जाने देता इसी वजह से यह कम एचपी के ऊपर चलता है और 20-30% तक तेल की बचत और समय की बचत करके देता है फार्मर को अंदर 3 प्लेंट्री लगी हुई थी उसके अंदर 3 गियर घूमते थे एक गियर के दवाला 3 गियर घूमते थे इसके अंदर 5 गियर घूम रहे वो तो हमने बनाया था 9 फीट तक अब हमने बनाया है 10 फीट 11 फीट और 12 फीट इसके अंदर हमने 5 गियर लगा रखे हैं गलियाँ भी कम हैं रास्ते भी कम हैं खेतों में उसके लिए हमने लेके जाने के लिए जहाँ पे टायर दे दिए इनके उधर हमने हुक दे दिए ये ट्रैक्टर के पीछे जो हुक दे रखी है उधर टायर दे दिए आप हम आई गए हैं एग्री जोन में कंप्यूटर करा भी अपनी काफी बड़ी इसके बारे में बताइए अपने किसान भाई को ये भी 12 फीट बना रखी है हमने आपने काफी बड़े बड़े कृषि यंत्र बना दिए चलते कैसे हैं वैसे चलेंगे नॉर्मल पे वैसे 9 फीट बन जाता है बंद होके और खुल के 12 फीट ठीक है जी तो खुलता भी हाइड्रोलिक के साथ है जी हाइड्रोलिक का सिलेंडर लगा रहा हाइड्रोलिक दिखाई अपने किसान भाई ये हाइड्रोलिक सिलेंडर लगा हुआ है इसके साथ में ये खुलता है ये खुलता है इसकी गाइड दे रखी है 1, 2, 3 और 4 मतलब ये खड़के लगा नहीं कहीं बैंड ना हो जाए बेसिकली 9 फीट 75 HP के ट्रैक्टर के ऊपर रिकमेंड किया जाता है चलाने के लिए ठीक है जी तो जब तो पहला गेड़ा लगता है तो जमीन ऊपर नीचे ज्यादा होती है उस टाइम तो ठीक है 9 फीट का और बाद में जब जमीन थोड़ी लेवल हो जाती है ना उसके लिए फिर ट्रैक्टर छोटा पड़ जाता है लेजर लेवलर छोटा पड़ जाए ट्रैक्टर बड़ा हो जाता है तो उसके लिए हमने इसको 12 फीट बना दिया अगर 2 गेड़े जो लास्ट में 2 गेड़े लगने लेवल करने के लिए तो इसको आप 12 फीट कर लो अदरवाइज इसको आप 9 फीट पे चला सकते हो तो 4 पाइप लगाने की ज़रूरत नहीं है इसी के साथ आपका मेन हाइड्रोलिक सिलेंडर चलेगा इसी के साथ आपका खुलेगा भी बंद भी होगा और एक्स्ट्रा पाइप लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है इसके साथ आप तेल भी बचा सकते हो और अपना समय भी बचा सकते हो तो फिर ये हाइड्रोलिक से खुलेगा और ऊपर नीचे कैसे होगा इसके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे रखा है ठीक है जी जहाँ से एक वायर जाएगी एक स्विच लगेगा उस स्विच आप इसको 10 फीट 11 फीट और 12 फीट कर सकते हो पहले जहाँ पे बुश लग के बुश होते थे और पिन डालती थी मैकेनिकल काम होता था अब हमने इसके अंदर ये बैरिंग लगा रखे हैं आप इसको ग्रीस करते जाओ और जितनी मर्जी लॉन्ग टाइम में इसको चलाते जाओ ठीक है जी उसके अलावा ये सिलेंडर लगा हुआ है हैवी ड्यूटी इसके अंदर ठीक है जी उसके साथ में हमने एक सिलेंडर और दे दिया मैकेनिकल सिलेंडर इसके अंदर भी बुश लगा हुआ है इसकी लाइफ भी आपको डबल मिलेगी पहले से ठीक है उसके अलावा इसके अंदर टायर भी हमने बड़े डाल रखे हैं 7, 50, 16 तो 7, 50, 16 इसके टायर हो गए हैं पहले छोटे टायर आम लेजर के अंदर छोटे टायर लगे रहते हैं इसके अंदर हमने बड़े टायर लगा रहे हैं उसके अलावा टूल बॉक्स आ गया इसका तो गुरप्रीत जी ये क्या बना रखा है आपने जब थोड़ा सा इसके बारे में बताइए अपने किसान भाइयों को ये बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी लेके आया एग्री जोन वैसे तो इसको हम गन्ने की गुड़ाई के लिए यूज करते हैं इसको शुगर कैन बीटर बोलते हैं आमतौर पर मार्केट में पहले भी बहुत बनते हैं इसमें खासियत ये है कि पहले जो मार्केट में आते हैं ये गेयर बॉक्स का जो
साइड में कवर रहता है ना, साइड पहले जहाँ पे लगा होता था ये सारी गुड़ाई इधर होती थी उस, एक साइड। हाँ एक साइड। उससे क्या होता था जो जितनी जगह ये कवर की होती थी 4-5 इंच ये रह जाती थी गुड़ाई के लिए। ठीक है जी। और ये गन्ने को तोड़ता था साइड में। ठीक है जी। अबे जहाँ पे इसके खुरपी लगा रखी है देखो इसके अंदर इसके फाड़ा दे दिया, फाड़ा दे दिया है ये। इसके अंदर मल्टी स्पीड गियर बॉक्स है। आमतौर पे बीटरों के अंदर सिंगल गियर बॉक्स, सिंगल स्पीड गियर बॉक्स आता था, सिंगल होता है। हाँ हमने इसके अंदर मल्टी स्पीड गियर बॉक्स दे रखा है। ठीक है जी। इससे क्या फायदा है? इससे फायदा है अभी किसी भी ट्रैक्टर के अंदर इसके आरपीएम कम ज्यादा आप कर सकते हो, किसी भी ट्रैक्टर के ऊपर चला सकते हो इसको। तो गुरप्रीत जी आइए खेत में चलते हैं और आपका रोटावेटर चला करके देखते हैं। चला के दिखाते हैं। किसान भैया अब हम आ गए हैं खेत में और यहाँ पर अर्जुन नोवो महिंद्रा 605 DI1 इस ट्रैक्टर के ऊपर ये जोड़ा गया है। रोटावेटर आप देखिए कैसे चल रहा है। किसान भैया ये जो है लगातार बढ़िया मिट्टी उखाड़ रहा है और इसके अंदर जो है यह है बढ़िया काम कर रहा है। आप देख करके मुझे बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। बाकी ट्रैक्टर के ऊपर कोई लोड नहीं है ये मैं आपको बता देता हूँ। रही बात रूटावेटर की, काफ़ी स्मूथ चल रहा है। कुछ किसान भाई कहेंगे कि भाई बढ़िया नहीं चल रहा, ज़मीन जुताई की हुई है, ये है वो है। तो किसान भैया आप अपना ट्रैक्टर लेकर के आइए, उसके ऊपर जोड़ करके देखिए, जोड़ करके चलाइए, उसके बाद आप कहना कि अच्छा नहीं है या अच्छा है। मैं ये कहूँगा कि आप अपने लेवल पर टेस्ट करें, उसके बाद चला करके फिर ही आप इसको खरीदें। कंपनी के कहने पर अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, भरोसा ना करें, लेकिन आप इसको खुद जुताई करके चला करके देखिए। किसान भैया रूटावेटर को चलते हुए किसान अपने घर से ट्रैक्टर लेकर आया कि देखते हैं कि ये इनके ट्रैक्टर पे अच्छा चल रहा है कि मेरे पे भी अच्छा चलेगा। तो इन्होंने अपना सोनालिका DI60 RX जोड़ा है। तो आइए सरदार जी से ही पूछते हैं कि इनको कैसा लगा। नमस्कार सरदार जी। नमस्कार। सबसे पहले अपना नाम और पता बताइए। मेरा नाम सरदार जगदेव सिंह, पिंड माजरी कालियाँ, जिला पटियाला, नियर बार। तो सरदार जी आप ट्रैक्टर को लेकर के आए, जब आपने रूटावेटर चलता हुआ देखा तो आप जोड़ करके आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखो जो भी किसी किसान भाई ने संद लेना है वो पहला तो अपनी रिक्वायरमेंट देख जरूर देखे भी ओनू किन्ना, चाहे 10 है चाहे 12 है, भी ओनू काम ओने कहे जा लेना। हाँ कितना काम है उसको, काम कितना? हाँ साढ़े को हैगा जेड़ा पहला और भी बहुत चलाए ने, पर मैं उन्होंने भी माड़ी नहीं गया, लेकिन एक चीज मैं देखी है। हाँ जी। वाइब्रेशन का फर्क जरूर हैगा। अच्छा वाइब्रेशन नहीं है बिल्कुल भी? बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं हैगी। अच्छा थकाता नहीं, मतलब ड्राइवर थकता नहीं? हाँ नहीं, चलो वैसे जेड़े आम ने थोड़े धड़कते ने ना, धड़कते हैं। चलो मेरा खेत भी थोड़ा वाया वता तप्पड़ ते ज्यादा और बेहतर पता लग जाता। हाँ। पर फिर भी पता लगता ही है साढ़े को 8 फुट का है ये 12 का है, 12 का है भी लगता भी चलूगा तो ठीक, मतलब सही चलेगा, सही चलूगा, कोई दिक्कत वाली गल नहीं। जबकि तो 57 HP का आपका ट्रैक्टर है और कंपनी का कहना है कि वो 63 HP रिकमेंड करती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? सरदार जी ने अपने सुझाव भी दिए और अपना व्यू भी रखा कि मैं इसके बारे में ये कहता हूँ, आप इस बारे में क्या कहते हैं कॉमेंट में जरूर बताए। धन्यवाद किसान भैया, जय जवान जय किसान।